मुझे भाई कहकर भी संबोधित कर रही हैं और दूसरी ओर अपने दुख से दूर रहने को भी कह रही हैं। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देव तुल्य होता है। कोई युक्ति नहीं है यजमान, शास्त्रों में विवाह विच्छेद का कोई विधान है ही नहीं। आज से अभी से इसी क्षण हमारे एवं हमारी पत्नी के अटूट संबंध को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास है आपने जो भी किया अवश्य किसी विवशता के कारण किया है, मन से नहीं मरे दबाव में आकर किया है। वो दबाव किसका है, क्यों है, ये मैं नहीं जानता। तो मैं ये जानती हूँ कि आपने मुझे हृदय से नहीं त्यागा है। आप मुझे त्याग ही नहीं सकते, कदापि नहीं त्याग सकते, क्योंकि हमारे संबंध की नींव झूठ एवं स्वार्थ के भीत पर नहीं, विश्वास और समर्पण की नींव पर खड़ी है, जो न कभी गिर सकती है न हिल सकती है। किंतु ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे ही जीवन में क्यों हो रहा है सब? अब मैं आपसे अलग होकर इस संसार में कहां जाऊंगी? अब मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह गया है? आपती का ये पत्ता स्वर्ण पत्र स्वरूप तुम्हारा भाई तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा है। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। ये लो, इसे रख लो। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। युग युग के है कथा पुरानी, वृक्ष के अद्भुत पत्ती। सोने के रंग मा रंग डालो तो दुख हर ले सुख लावे पत्ती। स्नेह से जकरे हाथ धरो तो मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। भाई के नाता जोड़ लिए
से चिल्ला क्यों रही है? संभवतः भाग्य परिवर्तित हो रहा है। मारुति ने ऐसा कौन सा लेप दिया लगाने को जिससे मेरी पुत्रियां काली हो गई? हाय भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ काकी? अरे दुष्ट, मेरी पुत्रियों को काली करके मुझसे पूछता है क्या हुआ काकी? अरे ये कैसे हो गया? अरे लेप बनाया था तूने, जड़ी बूटी लाया था तू और पूछ रहा है हमसे? काकी औषधि तो मैंने सही दी थी, अवश्य आपकी पुत्रियों ने कुछ अनुचित किया है। अब हमने क्या किया? हमें क्यों दोष पड़ा है तू? दोष नहीं मढ़ रहा हूँ बहनों, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मैंने प्रारंभ में ही चेताया था, औषधि का प्रयोग करते समय या उसके मध्य कोई भी कुविचार मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा रंग उसी विचार के समान हो जाएगा काला। अवश्य ही तुम लोगों के मन में कुविचार ने जन्म लिया होगा। किंतु हमने तो अपने मन में कोई कुविचार नहीं लाया। और वो जो तुम अपनी बहन ममता के विषय में सारा दिन बुरा सोचती रहती हो, वो क्या है? वो भी तो कुविचारी है। माँ, जब तुम्हें पता था कि इसका प्रभाव ऐसा होने वाला है तो आज ही उसके विषय में क्यों बुरी बात की? अरे अब तुम दोनों मुझे क्यों कोसने लगी? मुझे क्या पता उस कर्मजनी के कारण ही ऐसा होगा। देखो बहनों, अब भी तुम लोग कुविचार की बातें सुन रही हो? तुम लोगों का रंग और भी शामता हो जाएगा। सकती हो क्या? क्यों हम लोग की प्यारी सी बहन के बारे में बुरा भला बोलती हो और हम लोग के विचार और संस्कार को दूषित कर रही हो? हाँ माँ, यदि एक शब्द भी हमारी बहन के विषय में बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिसके लिए चोरी की वही कह रहा है चोर। अरे मैंने तो तुम लोगों का भला सोचा, मुझे ही क्या पता मेरा भला सोचना ही मेरे लिए बुरा बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन करेगा तुम लोगों की साथ विवाह? काकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय। काकी मैंने तो लेप ही वही बनाया था जिससे रंग काला हो जाए। अंजना, तुम और तुम्हारा पति केसरी एक दूसरे को मन से त्यागो अथवा न त्यागो, किंतु संसार की दृष्टि में मैंने तुम दोनों को तो अलग कर ही दिया।
और जब ये सत्य तुम्हारे लाडले मारुति को पता चलेगा तब का दृश्य क्या होगा? वो दिन मेरे लिए अपार हर्ष का दिन होगा, जब वो जल बिन मछली की तरह छटपटाएगा और पछताएगा कि वो राहु के मार्ग में बाधा बनकर क्यों खड़ा हुआ। राहु हूं मैं, राहु। अरे वानर बालक, कुछ तो उपाय होगा, कुछ करो ना मेरी पुत्रियों के लिए। एक उपाय है काकी। अरे यदि उपाय है तो उस पर अमल क्यों नहीं करते? तुमने ही मेरी पुत्रियों को काला बनाया है, अब तुम्हें इन्हें गोरा बनाना होगा। शीघ्रता से इन्हें गोरा बनाओ। किसी पर भी बिना कारण आरोप लगाना कुविचारी तो है। सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुत्रियां और भी काली हो जाएं। इस लेप के प्रयोग के पश्चात क्या सावधानी बरतनी है मैंने बताया था आपकी पुत्रियों को, पूछ लीजिए। माँ, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ, बोलना आवश्यक है तुम्हें। मारुति, तुम रंग निखारने का कोई उपाय बताओ, कोई ना कोई समाधान तो तुम्हें अवश्य पता होगा। हाँ है तो अवश्य। बताओ ना मारुति। बताता हूँ ममता बहन, तनी काना यहाँ सौंदर्य प्रसादन को लेकर। अरे मारुति, ये क्या है? फिर तुम बोली बीच में। तुम्हें बोलने का रोग है माँ, एक क्षण भी तुम शांत नहीं रह सकती। करने दो ना मारुति को उपाय। करो मारुति, करो उपचार। बहनों, ये माँ है, जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। काकी, ये गौरांग बनाने वाला चूर्ण है। बहन, चूर्ण लेकर खड़ी क्यों हो? लगाओ अपनी बहनों के मुखमंडल पर ये चूर्ण। अरे ये समस्त कार्य कछुए की गति से करेगी, लगाओ शीघ्र। भागन, मेरी पुत्रियां काली होकर तुझसे भी सुंदर दिखती है। और अब तो दूध से भी अत्यधिक श्वेत गौर वर की हो गई है ये।
मूर्खों को समझाने हेतु उनकी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी उनकी समझ में कोई बात आती है। श्वेत चूर्ण लगा लेने से कैसा हास्यास्पद दिख रही है। दोनों फिर भी स्वयं को गोरा समझकर प्रसन्न है। मैं समझ गया कि ये सब अमंगल मेरे जीवन में क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। भली भांति समझ गई, किंतु राहु देव, तुम चाहे जितने कष्ट दे दो मुझे, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। ऐसा उपचार करूंगी तुम्हारा कि हमारे जीवन में अपनी छाया डालने के लिए तरसोगे। अपने जीवन से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूंगी मैं पापी राहु। व्यापारी महोदय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? ऐसा प्रश्न क्यों? कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया है मैंने? सर्वथा प्रश्न अनुचित ही है अंजना, क्योंकि मैं तो वहीं रहूंगा जहाँ तुम रहोगी। क्या अर्थ है आपके कहने का? कहने का अर्थ यह है अंजना कि तुम अभी तक मुझे नहीं पहचान पाई हो। अरे मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे साथ हूँ। बहुत पहले से? कौन है आप? परिचय चाहिए अंजना। परिचय दूंगा तो चकित हो जाओगी। परिचय प्राप्त करने पर तुम्हारे पांव के नीचे सर्प की अनुभूति होगी अंजना, सर्प की। मैं राहु हूं अंजना, राहु। दोष हारी दोष, इस महल में अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। वो मैं ही था अंजना। अंजना, स्मरण है तुम्हें वो किष्किंधा का साहूकार जिसने तुम्हें चोरी के आरोप में बाली से दंड दिलवाया था? स्मरण है तुम्हें? मैं आपके न्याय से बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट महाराज। आप इस चोर निरंजना को स्वयं अपने पवित्र हाथों से दंड दीजिए। तुम्हारे साथ वो भी मैं ही था अंजना, मैं। अंजना, तुम इस तेल व्यापारी को तो कदापि भुला ही नहीं सकती। संबंध विच्छेद जो करा दिया है तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ, मेरी बुद्धि से तो इन्हें ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि इसकी पत्नी को इससे विलग कर दिया जाए, पूर्णतः संबंध विच्छेद।
सत्य कहा ना अंजना। अंजना, राहु चिर स्मरणीय है, चिर स्मरणीय। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने जो सोचा था वो अनुचित नहीं था। तुम पापी। हाँ, राहु हूँ मैं, राहु। क्रूर, निष्ठुर, निर्मम राहु। अंजना, करोगी मेरे मूल रूप का दर्शन? अरे वाह, मेरी राजकुमारियों, इन नूतन परिधानों में तो तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, मेले में एक नहीं कई राजकुमार तुम दोनों पे मोहित होंगे। हरि या भागन, करम जली तू दंत क्या निपोर रही है, जाके और चूरन ले आ। मुझे प्रतीत होता है कि मेरी पुत्रियों का गोरा रंग तनिक मध्यम हो गया है। हरी क्या है, जा। देखो इस करम जले ईशियालू को गिरा दिया जानबूझकर। ये दोनों इस चूरन को ना लगाए तब मेले में मेरी पुत्रियां सुंदर ना दिखे। इसे प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी तुम दोनों को। इसके प्रभाव का संबंध सीधे मन के विचारों से है। यदि लगाने के पश्चात मन में कोई भी कुविचार आया तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा। माँ, तुम व्यर्थ इस पे क्रोध कर रही हो, ये बला जानबूझकर क्यों गिराएगी? और यदि ये चाहे भी तो इसके चाहने से क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हम ये गिरा हुआ चूरन ही लगा लेंगे। अंजना, यह है कथा तुम्हारे परिवार के साथ मेरे होने की, और यह सब किया है तुम्हारे उस दुष्ट पुत्र ने। वो है कारण तुम्हारे सुख शांति एवं ऐश्वर्य के विनाश का। अंजना, वो मैं नहीं। पाप के दलदल में मेरे पुत्र को मत घसीटो, मेरी अशांति का कारण केवल तुम हो, तुम। और मैं ऐसा उपचार करूंगी तुम्हारा कि तुम मेरे जीवन में झांकने को तरसोगे। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती अंजना, कुछ नहीं। कोई उपचार नहीं कर सकती तुम मेरा। और कितना उपचार करोगी? क्योंकि उपचार के पश्चात भी मेरा आगमन निश्चित है। क्योंकि उपचार के पश्चात मेरा आगमन निश्चित है। क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रत्येक के जीवन में आता हूँ 3 दंड एवं 45 पलों के लिए। 3 दंड एवं 45 पलों के लिए।
और ये विशेषता केवल मुझे ही प्राप्त है, केवल मुझे। नव ग्रहों में से मेरी ही उस कालावधि को राहु काल के नाम से जानता है ये संसार, मेरी ही उस कालावधि को राहु काल के नाम से जानता है ये संसार। मेरी दूसरी विशेषता, मुझ में केवल क्रूरता ही नहीं, दयाग्रता भी है। यदि मेरा क्रूर स्वभाव जातक को मिटाता है तो मेरी दयाग्रता बनाती भी है। यदि मैं विनाश की गहरी खाई में गिराता हूँ तो मैं प्रसन्न होकर उसे आसमान की ऊंचाइयों पर भी बिठा देता हूँ। ये हूँ मैं, समझी? और मुझसे मुक्ति असंभव वंजना, असंभव, असंभव। मुझसे कौन क्या प्राप्त करता है यह उस व्यक्ति का प्रारब्ध है, किंतु मैं उस प्रारब्ध को प्रभावित कर उसे परिवर्तित कर देता हूँ, जैसा मैंने तुम्हारा किया है। किंतु अब और अधिक दिनों तक तुम अपनी क्रूरता का तांडव नहीं मचा सकोगे। तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिलेगा पापी, बहुत शीघ्र मिलेगा। और तब उस समय तुम्हारी ये महापराक्रमी महादशा दुर्दशा में परिवर्तित ना हुई तो कहना, मेरी ये बात याद रख। मूर्ख स्त्री, जिसके दंड के भय से समस्त संसार कांपता है, तुम उसे दंड का भय दिखा रही हो। किस में है दम जो राहु को दंड दे सके? मूर्ख स्त्री, स्वप्न मत देखो। अपने दम के मत में तो स्वप्न तुम देख रहे हो राहु, किंतु तुम्हारा ये दम अति शीघ्र चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति से टक्कर ली है। अति शीघ्र तुम ये अनुभव करोगे एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति से पृथक करने के अपराध के दंड की पीड़ा को राहु, अति शीघ्र। अंजना, मानना होगा तुम्हें, इतना कुछ घटित होने के पश्चात भी तुम्हारा साहस अभी तक नहीं टूटा, किंतु अब तुम्हारा विश्वास भी टूटेगा एवं साहस भी। अभी तुमने मेरी समूल शक्ति देखी कहाँ है अंजना? अभी तो केवल एक छोटा सा अंश देखा है, छोटा सा अंश। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी समग्र शक्ति। जीते जी मृत्यु के क्रास में ना भेज दूं तो कहना मैं राहु हूं अंजना, राहु। चलो मनहूस, यात्रा पर जाते समय टोकना आवश्यक था। माँ, मेरा भी मन है मेले में आने का।
में चलना है तुझे, चल ले चलती हूँ तुझे मेले में, चल चल चल। माँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना मुझे माँ। चल तू पड़ी रहे बंद इसी कक्ष में भूखी प्यासी, तब तक जब तक हम हार से लौट कर वापस नहीं आ जाते, समझी? चलो। काकी, आपकी पुत्रियां वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हैं। देखना, आप जिस कामना को लेकर मेले में जा रही हैं, वो अवश्य पूर्ण होगी। किंतु ममता बहन नहीं दिखाई दे रही, वो नहीं जा रही हैं क्या? नहीं, उस कुलछड़ी को कौन ले जाएगा? मैंने उसे कक्ष में बंद कर दिया है। शुभ कार्य हेतु यात्रा पर जाते समय ऐसी मनहूसों का मुख भी नहीं देखना चाहिए, उसे कैसे साथ ले जाती? चलो चलो सब। बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है, महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिनी को अंतर कपायो है, अंजनी को लाल 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 काले क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है, बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। ठहरो पुत्री, किसी गहन चिंतन में खोई हो, किसी धुन में खोई हो, तभी एक सन्यासी को अनदेखा कर उसका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना ही आगे बढ़ रही हो, क्या दुख है पुत्री? क्षमा कीजिए बाबा, आपको तपस्या रत देखकर मैंने प्रणाम नहीं किया, यह सोचकर कि आपका ध्यान भंग हो जाएगा। पुत्री, हम सन्यासियों का ध्यान तो दुखियों के दुख भंग करता है। हाँ, मैं बहुत घोर दुख में हूँ। एक महारानी घोर दुख में, अविश्वसनीय है। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको ज्ञात हो गया कि मैं एक महारानी हूँ। किंतु इसी को समय कहते हैं पुत्री, समय ने तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला है पुत्री कि तुम्हें निर्बल और असहाय बना दिया है, और तुम्हारे महाराज पति को एक दास से भी निम्न जीवन जीने पर विवश कर दिया है।
उन्होंने मुझे स्वेच्छा से नहीं त्यागा, उन्हें बलपूर्वक विवश किया है मुझे त्यागने के लिए। मेरा पूरा परिवार छिन्न भिन्न कर दिया उन लोगों ने, बिखर गया है मेरा परिवार। पति से संबंध विच्छेद होने का दुख पर्वत से भी विशाल दुख बन गया है मेरे लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है, असंतुलित हो गया है। ये तो होना ही था पुत्री, क्योंकि तुम पर और तुम्हारे समस्त परिवार पर इस समय राहु की महादशा चल रही है। पुत्री, तुम्हें राहु की शांति के लिए उपचार करना होगा। किस प्रकार करूं, क्या करूं, बताइए बाबा, आप ही कुछ बताइए। चिंतित मत हो पुत्री, मैं राहु की शांति का ऐसा ठोस उपचार बताऊंगा कि राहु की क्रूरता एवं राहु की यातना तुमसे व तुम्हारे समस्त परिवार से समाप्त हो जाएगी सदैव के लिए। पुत्री, ये दो अभिमंत्रित श्रीफल हैं, इन्हें राहु मंत्र के जाप के साथ बहती नदी की जलधारा में प्रवाहित कर देना। इसके साथ ही तुम्हारे समस्त दुख, समस्त कष्ट प्रवाहित हो जाएंगे। ये लो पुत्री। बहुत बहुत उपकार बाबा, जो आपने इस दुखियारी पर कृपा की। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहेगी पुत्री। जा, तेरा कल्याण हो। नेत्र से इतना नीर बहेगा तो प्रलय आ जाएगा, इसलिए अश्रुओं को पोंछ लो। निरर्थक बातों के लिए अश्रु को नहीं बहाना चाहिए बहन। मैंने भी क्या जीवन लेकर जन्म लिया है भैया, मेरे भाग्य में एक छोटा सा सुख भी नहीं। बहन, तुम्हारे भाग्य में समस्त सुख है, बोलो क्या चाहिए। एक हाट देखने तो जा नहीं सकी, और किस सुख की अपेक्षा करूं? बस इतनी सी बात। तो तुम्हारा ये भाई कहता है कि तुम हाट देखने अवश्य जाओगी। वचन देता हूँ मैं तुम्हें। सच भैया, यदि ऐसा हुआ तो मैं बचपन के बाद अभी ही देखूंगी हाट। जब मेरी माँ जीवित थी तब लेकर गई थी मुझे हाट।
अब से तुम वो सब देखोगी, वो सब करोगी जो तुम चाहोगी। अब तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी बहन। नहीं भैया, मैं नहीं जा सकती हाट। क्यों? क्यों नहीं जा पाओगी हाट? क्योंकि मेरे पास अच्छे नूतन वस्त्र नहीं है। ये वस्त्र आपके इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा। उस दिन उस व्यापारी ने एक वस्त्र दिखाया था, बहुत सुंदर था एवं मुझे पसंद भी था, किंतु माने लिया नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये भाई लेकर आएगा वही वस्त्र, फिर तुम चलना उसी वस्त्र को पहनकर मेरे साथ हाट में। सच? हम जाएंगे हाट? कितना आनंद आएगा, नहीं भैया? हाँ बहुत आनंद आएगा। पुत्रियों, ये हाट है, यहाँ नाना प्रकार के लोग आते हैं। व्यवहार ऐसा शालीन रखो कि लोग तुम में राजकुमारी की झलक देखें। तभी तो कोई राजकुमार अथवा नगर क्षेत्र का पुत्र तुम दोनों को पसंद करेगा और विवाह का प्रस्ताव रखेगा। माँ, ये सब हमें घूर क्यों रहे हैं? घूर नहीं रहे हैं पुत्रियों, प्रसन्न हो रहे हैं। पर माँ, ये सब लोग हमको देखकर हंस क्यों रहे हैं? हाँ माँ, मैंने भी अनुभव किया है, क्या कुछ अप्रिय है? अरे नहीं नहीं पुत्रियों, तुम्हें भ्रम हो रहा है, लोग हंस नहीं रहे हैं, तुम्हारी सुंदरता को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिए कंगन, ऐसे कलात्मक कंगन की जोड़ी आपको संपूर्ण हाट में नहीं मिलेगी। अत्यंत सुंदर है, इसे मैं ले तो लूं, किंतु पहनाऊंगा किसे? इतने सुंदर कंगन के लिए एक सुंदर कलाई का होना आवश्यक है। सिद्धार्थ, वो देखो कितनी सुंदर बालाएं हैं। एक जोड़ा कंगन मैं भी ले लेता हूं, हम दोनों एक एक को पहना देंगे। तुझको पहनाना है तो पहना दे, किंतु मैं ये कंगन उसी को पहनाऊंगा जो वास्तव में परी समान है।
ऐसे निहार क्या रहे हो भैया? स्वर्ग लोक से उतर कर आई अपनी बहन को। बिल्कुल अप्सरा लग रही हो तुम। अप्सरा? अप्सराओं को देखा है तुमने? हाँ, नहीं, मेरा अर्थ था कि अप्सराएं संभवतः इतनी ही सुंदर होती होंगी। चलो अब चलें। ये तो मेरे भाग्य अच्छे कि इतने पहुंचे हुए बाबा मिल गए। ऐसे संत विरले ही मिलते हैं जो व्यक्ति को देखकर सब कुछ जान जाते हैं। अब मुझे ये श्रीफल इस नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। स्त्री, क्या तुमने राजा के दो पुत्रों को इधर से जाते देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। तू किस दिशा से आ रही है? मैं तो पूर्व से आ रही हूँ। क्या उधर तुझे कोई राजकुमार नहीं दिखे? नहीं तो, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या बात है? आज प्रातः काल से ही राजा के दोनों बालक पुत्र लुप्त हैं, न जाने कहाँ चले गए। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, दिख जाए तो सूचित कर देना। जी अवश्य, मैं कर दूंगी सूचित। तेरे झोले में क्या है? इसमें तो अभिमंत्रित श्रीफल है। दिखाओ। हाँ हाँ, आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए, इसमें श्रीफल के अतिरिक्त आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अरे, ये तो राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए शीश हैं। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो श्रीफल ही थे, फिर ये कैसे संभव है? झूठी, हत्यारी डायन, ये क्या किया तूने? तू इन्हें नदी में प्रवाहित करने जा रही थी, तूने जघन्य अपराध किया दुष्टा, भयंकर अपराध। तूने हमारे भावी सम्राट की हत्या की है, तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है डायन। बता, किस मंत्र की सिद्धि हेतु तूने हमारे युवराज के शीश काटे? मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे इस झोले में बाबा के दिए हुए दो श्रीफल थे। मैं स्वयं नहीं जानती कि इन श्रीफल के स्थान पर ये बालक के दो शीश कैसे आ गए। हाँ,
मैं तो इसे देखते ही समझ गया था कि ये बहुत पहुंची हुई डायन है। नहीं, नहीं, ऐसा लांछन मत लगाइए मुझ पर। मैं डायन नहीं हूँ, मैं तो एक दुखियारी हूँ। और मेरे इस दुख को समाप्त करने के लिए एक सन्यासी ने मुझे दो अभिमंत्रित श्रीफल दिए थे इस नदी में प्रवाहित करने हेतु, और बस वही करने के लिए मैं यहाँ बैठी थी। मेरा विश्वास कीजिए। तेरा सत्य अब यहाँ हमारे समक्ष नहीं, राज दरबार में, कारागार में प्रकट होगा। मित्र, पकड़ लो इसे। नहीं, नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निरपराध हूँ। मैंने नहीं किया है ये, मेरा विश्वास कीजिए। चल, चल, मेरी बात तो सुनिए। चल, मेरी बात तो सुनिए। चल सीरत, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं अंजना, नहीं, मेरी माया तुम्हें निर्दोष नहीं रहने देगी। एक ओर तो मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूं, दूसरी ओर मैं अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहा हूं। मैं ये पहली बार मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूं। प्रतिशोध की भावना बहुत ही भयावह होती है। गरिमा, मर्यादा सब कुछ भंग कर देती है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे एवं तुम्हारे पति के विरुद्ध माया की रचना रच रहा हूं। अंजना, जीवित शव बना दूंगा मैं तुम्हें, जीवित शव। मेरे चक्रव्यूह के चक्र से मुक्ति कठिन नहीं, असंभव है, असंभव। यदि पूर्व की भांति इस बार भी राहु ने आपकी बात नहीं मानी तो यह राहु के जीवन का अंतिम अपराध होगा। मुझ पर विश्वास कीजिए मुझ पर। मैं अपने पुत्र मारुति की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने आपकी राजकुमारों की हत्या नहीं की है। ये प्रधान जी का पुत्र, ये सभागी के पीछे, ये तो मेरी पुत्रियों के पीछे होना चाहिए था। ये तो अनर्थ हो रहा है।